Unacademy. Let's crack it. Hi, students. In my previous lecture on the Indian Evidence Act, we were on section 27 actually we were talking, uh, we we're talking about the topic of confessions in evidence act see the relevancy of confessions we have seen that admissions and confessions are substantive evidences because they are based on a basic presumption of human conduct and that basic presumption is that no person will speak against himself and if he does speak it can be presumed that it must be true ye itna bada presumption hai human conduct ka ki koi bhi admission ya confession ko ye ek substantive evidence ke level pe le jati hai but jab hum confession ki baat karte hain confessions हमने देखा कि section 24 से criminal law के terminology शुरू हो जाती है accused ऑफेंस ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि 24 से लेकर 30 तक कन्फेशन वर्ड पहली बार वहां आ रहे हैं तो कन्फेशन और क्रिमिनल लॉ हम ऑलमोस्ट एक जस्ट अपोजिशन इन दोनों को मान लेते हैं दो देर इज नो वे रिटर्न इन एविडेंस एक्ट कि कन्फेशन के नॉट बी कैनोट बी देयर इन सिविल लॉ बट देन एडमिशन्स आर देयर वो हमने पहले एडमिशन का देख चुके हैं हम कन्फेशन के बारे में पढ़ रहे थे

क्रिमिनल लॉ में जाएं तो कन्फेशन दो बेसिक टाइप टाइम्स पे हो सकते हैं एक ट्रायल से पहले और एक ट्रायल के दौरान ड्यूरिंग द ट्रायल दोनों का अगर हम बोलें कि इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा फर्क है अगर हम बात करते हैं बिफोर द ट्रायल तो वो हम 164 में उसका कन्फेशन लेते हैं अगर वो जुडिशियल कन्फेशन है नहीं तो उसका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन तो है खैर वो कहीं भी कर सकता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हमने पिछली बार पढ़ा था इट इज ऑलवेज फ्रॉट विद डेंजर्स कि एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसको किया क्यों किया जरूरत क्या आ गई थी रिश्ता क्या था आपस में सो मेनी मैटर्स कम देन एग्जैक्ट वर्ड्स क्या यूज हुए एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में ये सारी चीजें हमें बतानी जरूरी है क्योंकि अगर ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पे ज्यादा तवज्जो देना ज्यादा वेटेज देना डेंजरस हो सकता है बट ऑफ कोर्स अगर वो प्रूव हो जाए दैट द एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वॉज एप्सोलूटली ब्लेमलेस इट इज अनटार्निश्ड तब हम उस उसपे इवन एक जजमेंट भी बेस कर सकते हैं उसके ऊपर भी मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आपको बताए थे नाउ यू नो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कहाँ-कहाँ की जा सकती है किनके किन के सामने की जा सकती है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था एक चीज और हमें ध्यान में, में रखनी है, एडमिशन्स कौन कौन कर सकते हैं एडमिशन्स कर सकते हैं कायदे से पार्टीज, उनके एजेंट्स रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में जो होल्ड कर रहे हैं उस दौरान या जिनका या प्रोपर इंटरेस्ट है या फिर जो प्रिवीज है ये सारे कर सकते हैं और तो तो और जब हम सेक्शन 19 में आए तो वो जो पार्टी नहीं है अगर उसका कोई इंटरेस्ट है वो भी कर सकता है और तो और हम जब बीस में आए तो रेफरी अगर जो अगर हमने रेफर कर दिया किसी को तो रेफरी का जो होगा अगर वो मेरे खिलाफ जा रहा है तो वो भी एडमिशन एक्सेप्ट करते हैं कन्फेशन के लिए इतना सारा कुछ नहीं है अवेलेबल रीजन क्या है एडमिशन का लॉ मोस्टली सिविल लॉ से जुड़ा हुआ है सिविल लॉ में क्या चाहिए हमें रिलीफ चाहिए क्लेम्स है कन्फेशन किससे जुड़ा हुआ है क्रिमिनल लॉ से क्रिमिनल लॉ का बैकग्राउंड क्या है वॉट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ अ क्रिमिनल लॉ पनिशमेंट फांसी हो सकती है सो दिस इज अ रीजन बाय कन्फेशन को हम ज्यादा ध्यान से लेते हैं इसलिए कन्फेशन का जहां तक सवाल है तो कन्फेशन सिर्फ और सिर्फ पार्टी कर सकती है अपने खिलाफ यानी कि एक्यूज सो ओनली द एक्यूज्ड कैन कन्फेस अगेंस्ट हिमसेल्फ ना कि इतने सारे लोग जो एडमिशंस में इतने सारे लोग एडमिट कर सकते थे यहां पे सिर्फ एक्यूज ओनली जब हम सेक्शन थर्टी में जाएंगे तो एक एक्यूज एक को एक्यूज के खिलाफ भी उसका उसका कन्फेशन यूज किया जा सकता है बट अंडर सर्टन ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, जो हमें समझने। सिमिलरली एडमिशन जो है वो कहीं भी कर दो जुडिशियल कर दो एक्स्ट्रा जुडिशियल कर दो बट कन्फेशन अगर आपने कोई पुलिस ऑफिसर के सामने कर दिया वेन एवर वेर एवर ही मे बी तो सेक्शन ट्वेंटी फाइव से हिट है सिमिलरली कोई भी कंफ्यूशन अगर आपने पुलिस कस्टडी में कर दिया तो वो भी हिट है ट्वेंटी सिक्स की वो पुलिस कस्टडी के दौरान किसी मैजिस्ट्रेट के सामने किया जाए देन बी अलाउड विच वॉज गिवन टू एस बैस ट्वेंटी सिक्स मैंने पिछली बार आपको बताया कि दॉ ऑफ सेक्शन ट्वेंटी सेवन अगर हम वही रोक देते अब आप सोचो अगर सत्ताईस ना होता तो मैं इतने साल पुलिस में रहा हूं अगर सत्ताईस ना होता हमारे तो हाथ कट के कहा गिर गए होते वी वुड नॉट हैव बीन आप सोचो कोई कोई स्टेटमेंट कन्फेशन पुलिस के सामने अलाउड नहीं है पुलिस कस्टडी में कोई कन्फेशन अलाउड नहीं है कुछ रिकवर कर रहे हो कहेंगे जी कन्फेशनल है ये तो हमने उसे पूछताछ की उसने कहा जी मैं आपको चाकू रिकवर करा सकता हूं द फैक्ट कि एक चाकू रिकवर हुआ नॉट अलाउड पुलिस कस्टडी में है तो अब क्या होता अब पुलिस ने हजार चीजें रिकवर करनी होती है कभी खून आलूदा कपड़े कभी चाकू कभी यू नो मेनी फैक्ट्स। सो इसीलिए जो 27 है वो वो शुरू किस वर्ड से होता है प्रोवाइडेड इसीलिए 27 का पहला वर्ड है प्रोवाइडेड दैट तो प्रोवाइडेड दैट पुलिस कस्टडी में अगर कोई एक्यूज्ड है और अपनी मर्जी से प्लीज रिमेंबर ये इंप्लाइड है ये लिखा नहीं हुआ पर ये है अदरवाइज इट विल बी बाय आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपनी मर्जी से वो एक स्टेटमेंट देता है जिसकी वजह से एक फैक्ट डिस्कवर होता है प्लीज रिमेंबर आई एम स्ट्रेसिंग वर्ड फैक्ट डिस्कवर होता है आई एम नॉट सेइंग कोई प्रॉपर्टी रिकवर होती है रिकवरी ऑफ अ प्रॉपर्टी कैन बी अ फैक्ट द वर्ड यूज्ड इन 27 इज फैक्ट एंड नॉट थिंग्स। अब जो वो फैक्ट डिस्कवर होता है द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्फेसिस वाज़ ऑन द वर्ड डिस्कवर डिस्कवर का मतलब यह है कि सिर्फ यह नॉलेज एक्यूज को है और किसी को नहीं है इसलिए अगर कोई वो चीज रिकवरी के लिए कोई नॉलेज दे रहा है कोई डिस्कवरी ऑफ अ थिंग है तो डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट विच इज रिलेटेड टू अ थिंग अगर अब वो सबके नोटिस में सब ओपनली पड़ी है तो फिर डिस्कवरी क्या है आज अगर आप मेरे इस कमरे में आते हो और इस डस्टर को देखते हो तो ये क्या डिस्कवरी है ये तो पड़ा ही है मेरे, मेरे, मेरे जितने भी टीचर आए हैं वो के गए उन्होंने देखा इट इज नॉट अ इट इज नॉट अ सीक्रेट, अट नो डिस्कवरी इन इट, डिस्कवरी का मतलब क्या होता है वो चीज पता लगवाना जो सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है बाद में यही चीज लिंक करेंगे कि ये चीज जो रिकवर हुई ये इनक्रिमिनेटिंग थी तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो एडमिशन या कन्फेशन बन जाता है दिस फैक्ट में भी एडमिशन दिस फैक्ट मे ऑल्सो भी कन्फेशन बट ने तभी 27 कहता है नॉट विथ दिस हम इस फैक्ट को यूज कर सकते हैं एक्यूज़ के खिलाफ एक्चुअली अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है कि सर अपनी मर्जी से कौन बताता है वे हम मान के चलते हैं पुलिस यू नो ऐसी आप लोगों को बहुत बैड uh, नोशंस uh, हैं पुलिस के बारे में पुलिस प्यार से भी बात करती है कई बार यू नो आउट ऑफ आउट ऑफ देयर ओन feeling of guilt, they may reveal so many things. So we will ये कैसे लिया ये छोड़ दो क्योंकि ये मेरे को बहुत बार जो हम जब हम ऑफलाइन होते थे तो बच्चे मुझे पूछते थे कि सर क्यों देगा वो मैं कहता था क्यों नहीं हम ये नहीं ये मत मान के चलो कि पुलिस कोई थर्ड डिग्री से ले रही है ले रही होगी कुछ जगह आई डोंट नो बट हम नहीं. ये मान के चलेंगे कि वो अपनी मर्जी से दे रहा है क्योंकि अगर हम यह मान के चले कि पुलिस ने जबरदस्ती उससे वो फैक्ट उगलवाया है मार के या उससे जबरदस्ती तो फिर आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज थ्री माई राइट नॉट टू सेल्फ इनक्रिमिनेट माय सेल्फ आड़े आ जाएगा फिर वो स्टेटमेंट विल बी हिट सो वी प्रिज्यूम दैट ऑल द स्टेटमेंट गिवन बाय द एक्यूज आर अंडर विच लीड टू डिस्कवरी ऑफ फैक्ट आर गिवन विद दिस स्वीट विलो you know, कई कई बार जब मैं पढ़ा रहा होता हूं क्योंकि काफी मैंने दो डेकेड से ज्यादा पुलिस में रहा हूं जब मैं पुलिस की लाइफ अपनी सोचता हूँ और जब मैं ये पढ़ाता हूँ तो कहीं ना कहीं यू नो आई फील कि मैं पहले टेबल के उस तरफ था और अब टेबल के इस तरफ हूं तो सिंस बहुत साल पुलिस का नमक खाया है तो ज्यादा मैं बोल नहीं पाता हूं बट बट वी हैव टू गो बाय द रूल ऑफ द बुक सो हेयर आई एम आई एम हेयर टू टीच यू द रूल ऑफ द बुक एंड नॉट द थिंग्स विच मे हैव

पहले मैं मेरा आज मैं आपको सारा डिक्टेट करा दूंगा पहले समझ लो आई होप सारे समझ पिछला लेक्चर जहां तक मुझे याद है मैंने कुछ के बेसिक्स बताए थे बिकॉज यू नो हमारे जो एविडेंस के लेक्चर हैं वो सात दिन के बाद आते हैं जैसे मैंने पिछले संडे को दिए थे आज सैटरडे है तो आज हम दे रहे हैं तो मैं हफ़्ता हो जाता है मुझे फिर मुझे एकदम याद रखना पड़ता तो यू you नो know, एक चीज जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पिछली बार बताई थी दैट यू आर गिविंग अ स्टेटमेंट Ostensibly with your own sweet will, which is leading to a discovery of a fact. What is the object of this section? The why? That we are going to allow the prosecution to use section 27 statement, which led to a discovery of a fact because of one basic simple reason: that how come this fact was known only to the accused and nobody else? the connection of this fact with the accused now forms a very important chain in the chain of circumstances. एक बहुत important कड़ी है ये पूरी chain of circumstances में. You know, सताईस की जो recovery होती है, हम word recovery use करते हैं. और बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स जो है अब तो मेरे कितने फ्रेंड्स भी हैं दोस्त भी हैं स्टूडेंट्स भी हैं बहुत है। एवरीबडी टेंस टू यूज द वर्ड रिकवरी वी आर वी हैव डेप्थ, वी हैव रेड लॉ इन डेप्थ स्पेशली ऑल दिस लॉज इन ग्रेट डेप्थ वी शुड नॉट बी यूजिंग द वर्ड रिकवरी We should, using, we should be using the word discovery. See the word is discovery of a fact, not discovery of a thing chaku recover it is not recovery of a chaku it is discovery of a fact. कि एक चाकू यहां भूसे में पड़ा है एक चाकू जो पूरी दुनिया से छुपा हुआ है वो यहां एक भूसे के ढेर में पड़ा है और ये चीज एक्यूज को पता है पूरी दुनिया से छुपा हुआ था वो चाकू कभी किसी को मिल नहीं सकता था पर उस एक्यूज की स्टेटमेंट से कि एक चाकू वहां छुपा है हम गए और वो रिकवर किया उस चाकू को जब हमने एफ भेजा तो उस चाकू का ए हमने देखा ये वही चाकू है जो उसके जो मेजरमेंट है इंजरीज के ऑन द एक्यूज वो सेम है जो चाकू का साइज है ए बी उस चाकू पे उंगलियों के निशान एक्यूज के हैं सी चाकू पे जो खून लगा हुआ है वो मरने वाले के ब्लड ग्रुप से मैच करता है ये चीजें बाद में प्रूव होती हैं। हमें क्या पता हमने तो एक चाकू रिकवर किया डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट कि एक चाकू यहां पड़ा है भूसे के ढेर में भूसे के ढेर में कोई चाकू नहीं रखता है। और ये चीज हमें एक्यूज ने डिस्कवर कराई अब यह चाकू जब हमने एफ भेजा तो ये चाकू एक्यूज के साथ जुड़ गया यू you नो know, बहुत गलतियां करती है सताइस की डिस्कवरी में बहुत गलतियां होती हैं यू नई गिव यू एग्जांपल्स। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं जो रियल लाइफ से नॉर्मली आई डोंट वांट टू एक्सपोज गिव मच अबाउट माय प्रीवियस आईपीएस का पर कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा एक बार एक मर्डर हुआ था मर्डर का वेपन कई बार रिकवर नहीं होता है। और कई बार पुलिस इन इट्स एंथुजियाजम के परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट केस बनाना है कोई गलती ना रह जाए इसमें कुछ हमारे पीपीज की भी गलती है जो मेरे स्टूडेंट्स पीपी सुन रहे हैं वो प्लीज इस चीज को ध्यान रखें वो चाहते हैं कि एक छोटी सी पॉइंट भी गलती ना रह जाए और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं आई गिव यू दैट जजमेंट आल्सो इन द बिगनिंग परफेक्ट एविडेंस इज सेल्डम टू बी हैड इन दिस इम वर्ल्ड इफ एवरीथिंग इज पिक्चर परफेक्ट देन देर इज समथिंग रॉन्ग देन पक्का पैडिंग की है पैडिंग का मतलब पुलिस ने अपनी तरफ से डाला है वो एविडेंस पुलिस ने फैब्रिकेट किया है तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रहा था आपको एक बार एक जगह थी मेरे कहीं में एस एस पी था वहां पर एक मर्डर हुआ था बड़ा सनसनी केस मर्डर था बहुत सारा आ, बहुत नेचुरली सनसनी केस मर्डर पर बहुत मीडिया का होता है रिएक्शन उसका जो हमने एक्यूज पकड़ लिया से हमने पूछा तू कहाँ है कहाँ फेंका हो चाकू तो उसने कोई दरिया वगैरह था आसपास उसमें फेंक दिया था हमने गोताखोर भी भेजे दो तीन दिन ढूंढते रहे हमें नहीं मिला चाकू जैसी चीज अब इतना बेहतर दरिया है कहाँ मिलता है नॉर्मली नहीं मिलते बहुत रेयर है रहे। तो जब नहीं मिला तो पुलिस ने सोचा कि चलो अब अपनी तरफ से डाल दें चाकू सताइस की रिकवरी दिखा दिखा देते हैं तो उन्होंने एक चाकू ले आए और चाकू जो उसका जिससे मर्डर हुआ था उसका से जो उसकी चोट के निशान थे वो से वन इंच थे यानी कि एक इंच चौड़ा चाकू होगा हमारे आइयो भाई साहब जो हैं वो खुकरी लेके आ गए और खुकरी उन्होंने रिकवर कर ली अब खुखरी इतनी चौड़ी होती है तीन इंच चार इंच अब खुखरी से मार रहा है चोट आ रही है सिर्फ आधा इंच मिसमैच हो गया ऐसी बेवकूफियां भी करते हैं एक और बेवकूफी बताता हूं आपको हमारे टाइम की अगेन आई टाइम एक अगेन बड़ा ही एक सनसनी केस मर्डर था रिकवरी हो गई अब वो पता नहीं मोस्ट प्रॉब्ली पैडिंग की होगी वो ऐसी रिकवरी कर ली जैसे कुकरी वाला अब इन्होंने जब रिकवरी की तो रिकवरी की इन्होंने जैसे आज की डेट में राइट जैसे आज जो भी डेट है जैसे एक अक्टूबर वहां फर्स्ट अक्टूबर है। तो कायदे से आज उन्होंने फिर क्या किया उसको न्यूज़पेपर में रैप कर दिया उसको सील करते वक्त पहले कागज में रैप कर देते हैं सील कर देते हैं फिर कपड़े में रैप कर देते हैं फिर सील कर देते हैं तो कायदे से न्यूज़पेपर भी आज का होना चाहिए था या पिछला होना चाहिए था एक अक्टूबर को वो कर रहे हैं रिकवरी डिस्कवरी और उसको सील बंद कर रहे हैं और न्यूज़पेपर कौन सी डेट का है पंद्रह अक्टूबर <laughs> पहले अक्टूबर को वो जब डिस्कवरी कर रहे हैं उसको रिकवर करके नाइफ को सील कर रहे हैं पंद्रह अक्टूबर की न्यूज़पेपर में मतलब पंद्रह दिन पहले आगे का पेपर इनके पास पहली तारीख को छप के आ गया था ऐसी बेवकूफियां बहुत आम होती हैं इसके ऊपर तो मेरे पास एक केस भी है सेम डिटो भी ऐसा ही केस है। so, में क्या होता है डिस्कवरीज रिकवरीज में पिक्चर परफेक्ट केस डालू पुलिस कई बार पैडिंग कर देती है जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी केस बताऊंगा एक अक्यूज को रिकवर किया चार दिन के बाद मर्डर के और उसमें क्या दिखाया इन्होंने कि खून सुधा कपड़े खून के सने हुए कपड़े वो उसी कपड़ों में अरेस्ट हुआ कौन बेवकूफ एक्यूज होगा जो चार दिन पूरे खून से भरे हुए कपड़े घूम लेके घूम रहे मर्डर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का केस तो बहुत सारी बेवकूफियां करते हैं हमारे आईयोस जब वो सताइस की रिकवरी या डिस्कवरी करते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लेस ऑफ हाइडिंग क्योंकि जैसा कि मैंने बोला वर्ड है डिस्कवरी अगर आपकी ऐसी जगह से आप रिकवर कर रहे हो कोई चीज जाओ जो सबको ओपन है जैसे कि मैंने बोला है डस्टर तो वो डिस्कवरी नहीं है इसलिए प्लेस ऑफ हाइडिंग जो है वो एक्सक्लूसिव होनी चाहिए विच मींस

तो प्लेस ऑफ हाइडिंग का कंसेप्ट बहुत चेंज हुआ है पहले तो ये था कि बिल्कुल छुपा हुआ भूसे के ढेर में पेड़ के नीचे कोई खोद के नीचे उसके जड़ों के अंदर ऐसी ऐसी चीजें बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट द प्लेस ऑफ हाइडिंग बी टेकन इन ब्रॉडर व्यू ब्रॉडर व्यू की मतलब क्या हो गया कि जहां मैंने कोई चीज छुपाई वो पब्लिक की नजर से छुपी हुई थी हो सकता है वो कोई बिजी रोड हो कोई बात नहीं एक झाड़ी है जो बहुत डेंस झाड़ी है जहां पे आसपास सड़क में जा रहे हैं लोग पर झाड़ी है, झाड़ी के अंदर घुसरना कोई आता है वहां छुपा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस इट इज अ प्लेस इट कैन बी टेकन एज अ डिस्कवरी तो आज के दिन में डिस्कवरी फ्रॉम अ प्लेस प्लेस ऑफ हाइडिंग पब्लिक की नजर से छुपा हो जहां पे आवाजावी ना हो जहां पे रेगुलर एक्सेस नहीं हो तो प्लेस ऑफ हाइडिंग डेजोलेट एक ऐसी सीक्रेट जगह जो बिल्कुल दूर कोने में कहीं छुपी हुई जगह नहीं हो सकता है बिल्कुल पब्लिक में हो बस स्टैंड में बस स्टैंड की एक रिकवरी थी जिसके अंदर उसने एक बस स्टैंड के अंदर एक ईंट निकाल के उसके अंदर जगह बनती उसको ईंट से बंद कर दिया खुली ईंट थी उसके पीछे छुपाया था इट वॉज़ हेल्ड टू बी अ गुड प्लेस ऑफ हाइडिंग कोई पब्लिक बस स्टैंड है तब भी अब जैसे एक, एक अगर ब्रिक है तो मैंने वो ब्रिक लूज थी वो ब्रिक निकाल दी सामान रख दिया ब्रिक वापस रख दी अब पता नहीं चल रहा लोगों को अब ये प्लेस ऑफ हाइडिंग है बट एट द सेम टाइम Like, you know, करेंसी नोट उसने रख दिए। कौन बेवकूफ करेंसी नोट पानी के अंदर रखेगा और वो भी एक सिंपल से बैग में जो पानी अंदर घुसा हुआ था तो यू नो स्टुपिड प्लेस ऑफ हाइडिंग भी बहुत बहुत तो प्लेस ऑफ हाइडिंग एक और केस है वो भी मैं आपको अभी कोट उसका साइटेशन दूंगा जहां पे जब हाँ, जब पुलिस रिकवर करने गई जब कोई फैक्ट डिस्कवर करने गई कोई चीज रिकवर करने गई तो लोग पहले इकट्ठे थे पूरी दुनिया इकट्ठी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोगों को कैसे पता चला डिस्कवरी आप करने जा रहे हो लोग पहले खड़े हैं वहां त्यार तो ऑल दीज थिंग्स एब्सोल्युटली विशिएट 27 की डिस्कवरी तो हमेशा याद रखना है डिस्कवरी वर्ड इसका बेसिक वर्ड है डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट दिस फैक्ट में भी रिकवरी ऑफ अ थिंग डजेंट मैटर अब वो चीज जो है प्लीजर चीज इमीडिएटली मिलते ही इनक्रिमिनेटिंग नहीं है एक गन मिल गई मैंने गन रिकवर करा दी बाद में पता चला हमने रिकवर कर ली चलो उन्होंने कहा जी डिस्कवर करा दी ठीक है डिस्कवर होने के बाद वो चली गई एफ एस एल एफ एस एल ने कह दिया नहीं जी इस गन से तो गोली नहीं चली अब बैठे रहो कौन सी डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट है दैट फैक्ट वॉज नॉट इनक्रिमिनेटिंग सो प्लीज रिमेंबर जैसे हम कोई चीज रिकवर करते हैं वी शुड नॉट गो विद जी अब तो केस क्लोज हो गया अनलेस मैंने पैडिंग की की है वो वो तो जब FSL की रिपोर्ट आएगी तब इससे कनेक्ट होगा अभी तो फिलहाल इतना है तो बेसिकली अगर हम देखें डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट को हम दो पार्ट में लेते हैं डिस्कवरी ऑफ फैक्ट अगर कोई चीज की रिकवरी है तो उसको हम दो पार्ट में लेंगे पहला पार्ट क्या है पहला पार्ट है कि हम एक फैक्ट डिस्कवर कर रहे है। दूसरा पार्ट है कि वो फैक्ट इनक्रिमिनेटिंग है वो उस ऑफेंस से जुड़ा हुआ है ये दूसरा पार्ट है जो बाद में अगर हम भेजेंगे तो फिर ये चीज प्रूव होके आएगी आई होप अंडरस्टूड। तो कई बार क्या होता है जस्ट बिकॉज अब कोई चीज रिकवर हो गई तो चीज रिकवर हुई तो है अभी ऑफेंस के साथ कनेक्ट नहीं हुई है ऑफेंस में कनेक्ट होने के लिए फेज टू चाहिए यानी कि एल की रिपोर्ट मुझे खून उसने बोला जी वो मर्डर murder, की खून कुछ शर्ट का है तूने तो उसको उसको कपड़े उतार के ले गया था कहां रखे अब अगर मैं उसको कहता हूं कि मैंने जिसका मर्डर किया उसकी शर्ट मैंने यहां छुपाई है ये सारा कन्फेशन से हिट हो रहा है बट अगर मैं कहता हूं एक शर्ट आपको रिकवर करा सकता हूं तो इसलिए मैं क्या कहता हूं सत्ताईस में इसलिए प्लीज नोट कर लें जो भी जजेस जो मेरी बात सुन रहे हैं कि प्लीज ऑलवेज नेवर आज क्या चीज रिकवर की हमेशा जो आपने देखना है वो ये सुनना है वो ये देखना है एक शर्ट रिकवर की वो शर्ट ऐसी प्लेस ऑफ हाइडिंग से रिकवर की जो लोगों से छुपी हुई थी अभी तक सिर्फ एक शर्ट रिकवर हुई है अभी तक वो ऑफेंस से नहीं जुड़ी है उस शर्ट को मैंने उसके ऊपर खून के धब्बे थे उस शर्ट को मैंने भेज दिया एफएसएल। एफएसएल वालों ने कहा यह खून के धब्बे मरने वाले के खून के धब्बे से मैच खून के आ, ब्लड ग्रुप से मैच करते हैं। अब हो गया पर ब्लड ग्रुप तो जा रही है तो अब किसी के भी हो सकते हैं तो इसीलिए अब वो क्या करेंगे अब उसके जो वाइफ है उसको बुलाएंगे जब उसकी वाइफ आएगी उसको बोलेंगे ये शर्ट पहचानते हो हां सर ये मेरे हस्बैंड नहीं है जिस दिन वो मरे थे यही शर्ट पहनी हुई थी अब वो शर्ट पूरी तरह से ऑफेंस के साथ जुड़ गई तो ये शर्ट मैंने पहनी हुई थी मृतक ने पहनी हुई थी इस शर्ट के धब्बे जो हैं वो उसके ब्लड ग्रुप मैच कर गया ओपिनियन एविडेंस से ये शर्ट कहां से रिकवर की एक पेड़ के नीचे से पेड़ के रूट्स के अंदर खोद के हमने निकाली आपको कैसे पता चला सर 27 में एक्यूज ने अपनी मर्जी से हमें कहा कि मैं एक फैक्ट डिस्कवर डिस्कवर करा सकता हूं वो फैक्ट जब हम करने गए तो वो फैक्ट रिकवरी ऑफ अ शर्ट था उस शर्ट को हम ले आए हमें नहीं पता था ये शर्ट क्या है अब इसने पता नहीं रिकवर कराई थी तो क्योंकि खून के डब्बे तो हमने इसको एफ एस एल भेज दिया एफ एस एल वालों ने कहा ये खून के डब्बे मैच करते हैं और उसकी वाइफ ने ये आइडेंटिफाई किया कि ये शर्ट मरने वाले ने मौत वाले दिन मर्डर वाले दिन पहनी हुई थी नाउ दिस शर्ट हैज गॉट कनेक्टेड विद द ऑफेंस एंड दिस शर्ट हैज गॉट कनेक्टेड विद द एक्यूज बिकॉज ऑफ ट्वेंटी सेवन आयो पब आप पूरा खेला इसका समझ गए होंगे। ओके नाउ दैट वी आर क्लियर अबाउट ऑल दीज थिंग्स नाउ लेटेस क्विकली गो थ्रू द इंपॉर्टेंट मैं कुछ डिक्टेशन देता हूं फटाफट आप नोट कर लीजिए पहले हम पहले नो, पहले नोट कर लीजिए प्रदुमन सिंह प्रदुमन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1992 सुप्रीम कोर्ट In order that this section may apply, the Supreme Court has held in this judgment that in order that Section 27 may apply, the prosecution must establish that the information given by the accused led to the discovery of some fact deposed to by him. The discovery must be of some fact. Which the with the police had not previously learned from any other source, and that the knowledge of the fact was first derived from the information given by the accused If I was to quote Privy Council. क्वीन एम्प्रेस वर्सेज बाबूलाल क्वीन एम्प्रेस वर्सेज बाबूलाल एटीन एटी फोर अलाहाबाद फुल बेंच प्रीवी काउंसिल द प्रीवी काउंसिल हेल्ड दिस सेक्शन विच इज दो नॉट वेरी वेल वर्डेड क्योंकि शुरू प्रोवाइडेड से हो रहा है प्रोवाइड एन एक्सेप्शन टू द प्रोहिबिशन इंपोज by the previous by the preceding sections Yanipachis or 26, and enables certain statements made by the person in police custody to be proved. Also the the Privy Council held that before this section can come into play, there must be a fact discovered. And the fact discovered must be in consequence of some information received from an accused person. Next, next read the next judgment, please. स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस डेविड रोजारियो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस डेविड रोजारियो आर ओ जेड ए आर आई ओ टू थाउजेंड टू सुप्रीम कोर्ट इट इज फैलेशियस टू ट्रीट द फैक्ट डिस्कवर्ड इन दिस सेक्शन इट इज फैलेशियस फैलेशियस मतलब रॉन्ग है गलत है इट्स फैलेशियस टू ट्रीट द फैक्ट डिस्कवर्ड इन दिस सेक्शन ज इक्वल टू ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने बोला इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया है सुप्रीम कोर्ट ने आई विल प्रोड्यूस अ नाइफ कंसील्ड इन द रूफ ऑफ माय हाउस ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इनको ध्यान से लिख लो ये क्रक्स है आई विल प्रोड्यूस द नाइफ Concealed in the roof of my house does not lead to discovery of a knife. It leads to the discovery of the fact that a knife is concealed in the house of the informant to his knowledge. And if later, the knife is proved kese, through FSL. And if later the knife is proved to have been used in the offense, the discovery of this fact is very relevant. However, if the words like with which I stabbed A are added. These are inadmissible by virtue of section twenty-five or twenty-six. I hope now everybody is clear on this. Okay. State of Bombay versus Ka Kallu, nineteen sixty one Supreme Court. State of Bombay versus Kathi Kallu, one of the landmark judgments, 1961 Supreme Court. The information given by the accused to a police officer leading to the discovery of a fact should not be taken under compulsion to be made admissible in evidence. Otherwise, it will be an infringement of Article 20, Clause 3 of the Constitution. One very important aspect aya. State NCT of Delhi versus Navjot Sandhu. State NCT of Delhi versus Navjot Sandhu. 2005 2005 सुप्रीम कोर्ट ये ये वही है ये पार्लियामेंट केस uh, है जो हमारा अफजल गुरु वाला सेम इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज बा, बा, बात की इसमें क्या हुआ कि इन्फॉर्मेंट जो एक्यूज था वो इन्फॉर्मेंट जो डिस्कवरी हुई ही वाज नॉट टेकन टू द स्पॉट ऑफ रिकवरी उसने यही बता दिया कि वहां चले जाओ उसके नीचे खोदो वहां पे मिल जाएगा पुलिस उसको मौके पे नहीं ले गई और खुद जाके वहां चेक किया और वो डिस्कवरी हो गई अब क्वेश्चन उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अगर एक्यूज खुद नहीं उसको नहीं लेके गए उसने डिस्कवरी बता दी कि ये फैक्ट वहां मिल जाएगा आपको पुलिस गई वो मिल गया Is it necessary to take the accused along with you while discovering a fact under 27? This question is very important case. And it was held. The fact that the informant accused was not taken to the spot of recovery will have no bearing on admissibility. Of course, the court has to be on the guard.

फारसी वर्ड है तब से पर्शियन वर्ड है तब से चल रहे हैं मुस्लिम टाइम से फर्द का मतलब होता है मीमो तो सत्ताईस का एक फर्द बनती है एक, एक मेमो बनता नाउ द क्वेश्चन इट नेसेसरी दैट द द साइन सेवन का मीमो जो रिकवरी हो रही है अगर कोई रिकवरी हुई है उस डिस्कवरी के पश्चात तो क्या उसको साइन करना जरूरी है यह मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने state of rajasthan versus tejaram state of rajasthan versus tejaram 1999 supreme court it was held that it is not obligatory it is not obligatory on the part of the investigating officer to get the signature of the accused on a confessional statement recorded under section 27 next. state and city of delhi versus navjot sandhu. state and city of delhi versus navjot sandhu, 2005 supreme court. the fact discovered <coughs> must be in consequence of the information received from the accused and the fact should not have already been within the prior knowledge of the police. So there must not be prior knowledge of the discovered fact to the police. Also, it was held in Abjot Sandhu that the information should be free from any element of compulsion. <clears throat> Next point what happens if the accused results from his statement in the court he resides he says the method an idea. Now please remember <coughs> merely because <coughs> the accused results from his his statement. कि जी मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी पुलिस ने अपने आप भी पकड़ के डाल दिया दैट इज नॉट पर से इनफ फॉर रिजेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट मियरली बिकॉज एन अक्यूज रिसाइल्स फ्रॉम अ स्टेटमेंट विच ई एट गिवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ग्राउंड इनफ टू मेक इट इन एडमिसिबल इट हैज टू बी लुक्ड एट इन द होल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थिंग्स The court has to now evaluate all other things and then only come to a conclusion. A mere denial by the accused, the mere resiling by the accused from his statement, ipso facto, will not make such a discovery of a fact inadmissible. Next point, please. <clears throat> वन वेरी इंपॉर्टेंट मैटर के मरबजीत सिंह वर्सिज स्टेट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इसको ध्यान रखना ये ये जो मैं अभी सब बातें है हमारे पूरा सत्ताईस का लेक्चर इंटरव्यू का पेट है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछते हैं सरबजीत सिंह वर्सेस स्टेट 1998 पंजाब हरियाणा कोर्ट रिकवरी विच वाज मेड एट ए टाइम वेन द मेकर ऑफ द अक्यूज ऑफ द स्टेटमेंट वॉज ना इधर एन अक्यूज नोर वॉज अंडर अरेस्ट अभी तक मेरे खिलाफ एफ आई आर दर्ज नहीं हुई और अभी तक क्योंकि मैं अक्यूज नहीं हूं ना ही मैं पुलिस कस्टडी में हूं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बहुत अच्छा जजमेंट है इन दैट केस सच डिस्कवरी कैन नॉट बी एडमिसबल इफ यू रिमेंबर मैंने शुरू के लेक्चर में आपको बताया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है कि जहां पे एक थाने में एफआईआर दर्ज हो गई और अभी मुझे कस्टडी में नहीं लिया वेर आईव नॉट बीन टेकन इन टू कस्टडी The Bombay High Court though held it is deemed custody and at that time also I, I have my own reservations with with complete uh, respect to the honourable High Court. but somewhere I feel ke it can be misused by the police, so uh, we should go with the letter and spirit of the law rather than give it a liberal interpretation of statute. okay uh, as far as recovery while not in custody is concerned. वी हैव ऑन दिस अलाहाबाद हाईकोर्ट रामुआ आर एम यू ए रामुआ वर्सिस उत्तर प्रदेश नाइनटीन नाइनटी टू अलाहाबाद दस वेपन ऑफ ऑफेंस वॉज रिकवर्ड एट द पॉइंटिंग ऑफ दूस वेन ही वॉज नॉट इन पुलिस कस्टडी इट वॉज इन एडमिसिबल सो काफी सारे हाईकोर्ट्स हैं जो बिल्कुल कहती है कि पुलिस कस्टडी में जब तक नहीं है तब तक 27 की कोई भी डिस्कवरी और रिकवरी कैन नॉट बी टेकन इन टू कंसिडरेशन एंड वी हैव ऑन द अदर हैंड बॉम्बे हाईकोर्ट जो जिसने ये कहा था कि एक बार पुलिस थाने में आ गया चाहे उसको हमने अरेस्ट नहीं किया डीम्ड पुलिस कस्टडी है जिससे मैं इतफाक नहीं रखता और जिससे बहुत हद तक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट भी इतफाक नहीं रखता ओके वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ प्लेस ऑफ हाइडिंग As I told you, the place of hiding has been given a very wide expanse by the Honorable Supreme Court. In State of Himachal Pradesh versus Jeet Singh, State of Himachal Pradesh versus Jeet Singh, 1999 Supreme Court, a new meaning was given to the place of hiding. It said that it is not necessary that the place of hiding should not be in the open. The place of hiding should not be completely in, in a desolate area. The crucial question is whether the place is accessible to others. Is it ordinarily visible to others? If not, then it is immaterial whether the place of hiding is a public place or not. Another important aspect, Puran Lal versus state of Uttar Pradesh, 1997, Allahabad High Court. Puran Lal versus state of Uttar Pradesh, 1997, Allahabad High Court, <coughs> where recovery was made from a public place, which was accessible to all. एक्सक्लूसिव नॉलेज ऑफ सच आर्टिकल्स रिकवर्ड कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द एक्यूज अलोन तो जहां बहुत लोगों को एक्सेस है जैसे मैंने बताया डस्टर सबका एक्सेस है आई कांड से सिर्फ एक्स को ही पता था कि यहां डस्टर पड़ा है ओके नाउ यू नो वेन बी रिकवरी का तरीका क्या होता है जैसे आज हमने ये, ये खून का एक चाकू रिकवर किया तो कायदे से जब हम रिकवर करते हैं तो वहीं पर हम इसको सील करते हैं हम पहली बात तो इसको सीज करते हैं सीज करके सील करते हैं सीजर के टाइम पर हम एक सीजर मेमो बनाते हैं वो सीजर मेमो जो होता है फर्द बरामदगी कहते हैं उसको फर्द बरामदगी पे हम कम से कम दो विटनेसेस का साइन लेते हैं कि हमारे सामने ये रिकवर हुआ उनके सामने हम सील करते हैं अब आप कहोगे कैसे सील करते हैं प्लीज रिमेंबर पुलिस कभी भी कुछ रिकवर करने जाए या कहीं भी जाए कायदे से उनके पास एक किट होता है उनकी गाड़ी में एक किट होता है जो ये सारी चीजें जिसमें लाक होती है लाक को गर्म करके लगाने का सील होती है पूरा प्लास्टिक के लिफाफे होते हैं रोल ऑफ पेपर होता है जिसमें हम सील करते हैं ये सारा एक किट होता है कॉल्ड द इन्वेस्टिगेशन बॉक्स उसके अंदर ये सब चीजें होती हैं तो जैसे हम मौके पे गए हमने रिकवर किया हमने उसको सील किया सील करने के बाद हम विटनेसेस को बुला उनके सामने रिकवर करते हैं और सील करने के बाद उन विटनेसेस का साइन लेते हैं उन विटनेसेस का साइन हम जो चीज सील किए कपड़े में लाख से हम देखा होगा आपने उसके ऊपर लेते हैं और हमारा जो सीजर मेमो होता है उसके ऊपर लेते हैं फर्द बरामदगी लेते हैं अब क्वेश्चन ही उठा बाद में दस बारह साल हो जाते हैं और चल रहा होता है पांच दस साल बाद ये सीजर विटनेस आया या तो वो भूल गया और यहां खरीद लिया गया अब जहां सीजर विटनेस ने मना कर दिया कि जी मेरे सामने तो सीज नहीं किया द होल रिकवरी बिकम बैड इन लॉ यह मामला आया है सुप्रीम कोर्ट के सामने और ये बड़ा फेमस केस है दिस इज मोडान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान मोडान सिंह एम एन मोडान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1978 सुप्रीम कोर्ट तब का है उन्होंने कहा कि सिर्फ क्योंकि सीजर विटनेसेस ने मना कर दिया और बाकी इन्वेस्टिगेशन परफेक्ट है रिकवरी के बाकी और जगह या और जो अगर एविडेंसेस मिल रहे हैं वो परफेक्ट है तो मियरली क्योंकि सीजर विटनेस ने मना कर दिया या बाद में हॉस्टाइल हो गया इज नो रीजन टू रिजेक्ट दिस एविडेंस अगेन इट हैज टू बी टेकन ऑन अ होल देन कम टू अंक्लूजन इसको लेना सेफ रहेगा कि नहीं ऐसे मामलों में द कोर्ट हैजू बी ऑन इट्स गार्ड एंड एंश्योर कि कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा तो जहां परफेक्ट और ये सडनली कोई दो विटनेस आगे कहते जी हमारे सामने तो रिकवर नहीं किया पर हमारे पास और बड़े एविडेंसिस हैं तो इसी मामले सिर्फ इतनी सी बात पे की जी उन्होंने मना वो बिदक गए उन्होंने

डिफेंस वाले बहुत छलांग मारते हैं सर अब तो बार फेंको जी चाकू गलत रिकवर किया वगैरह वगैरह अगर बाकी चीजें सारी परफेक्ट है तो फिर इसको रिजेक्ट डि करने की जरूरत नहीं है सिमिलरली हाँ एक बात और है एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट पर अगर आपने मौके पे सील नहीं किया फिर तो मैंने बोला ना पैडिंग कर दोगे तो जहां सील नहीं किया वो एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है अन आइटम्स रॉन्गली सील्ड आइटम्स और वेर इट इज प्रूव दैट दीलिंग वॉज डन मच लेटर इन पुलिस स्टेशन देन दे लूज देयर एविडेंशरी वैल्यू ये एक ऐसी चीज है जो एविडेंशरी वैल्यू को बर्बाद कर सकती है इसके ऊपर मेरे पास एक बॉम्बे कोर्ट का जजमेंट है ऑन दिस थिंग ओनली तुलसीराम राम काम्बले तुलसी राम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र टू बॉम्बे लास्ट पार्ट वी टॉक अबाउट अननेचुरल अगर रिकवरीचुर आई टोल्ड यू पहले मैंने डिस्कस किया था इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जहां पे मैंने आपको बताया था ना वो एक अक्टूबर को हमने पकड़ी चीज और पंद्रह अक्टूबर के पेपर में रैप कर दिया वो हमारे पास एक एक, एक, एक इसके ऊपर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का बाबूदास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2003 सुप्रीम कोर्ट सील्ड पैकेट कंटेनिंग वॉच वॉज ओपन इन द कोट द न्यूज पेपर शीट इन विच द वॉच वॉज रैप्ड वॉज अ पब्लिकेशन सिक्स डेज आफ्टर द इंसिडेंट आफ्टर द रिकवरी रिकवरी आज की दिखा रहे हैं पेपर रैप कर रहे हैं छह दिन बाद का इट वॉज ने रिजेक्टेड जहां जहां पे करेंसी नोट एक रॉक के नीचे निकाले वहां पानी पानी था इट वॉज सो दीज आर कॉल्ड अनचुर

shows that Indian Evidence Act does not bother about morality. It is the end and not the means which matter. कहा जाता है कि IPC is a very a law which only deals with जो गलत चीज accept नहीं करता ends matter. मैंने आपको शुरू भी कहा था कि evidence आप कैसे लाते हो इट इज़ ियल आप ले आए ना चोरी करके लाए डकैती करके लाए कुछ भी करके लाए हमें कोई लेना देना नहीं है आईपीसी पर अगर आप मेरे घर में चोरी करने आए और मेरा एविडेंस चुराने के लिए आए थे तो वो थेफ तो है हाउस ब्रेकिंग तो है वो तो वो तो प्रसाद मिलेगा बट एविडेंस की एडमिसिबिलिटी पे कोई असर नहीं होता है सिमिलरली अगर कन्फेशन आप चोरी मकारी से लेते हो बेवकूफ बना के लेते हो झूठा प्रॉमिस करके लेते हो इंटॉक्सिकेट करके लेते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कन्फेशन इज एडमिसिबल सेक्शन ट्वेंटी नाइन आई कैन बी अलाउड टू से बिट्रेज द इमोरैलिटी in evidence act where how you procure, procure a confession is immaterial it is a confession per se which matters it is the end which matters the means do not matter here we ran out of time i have about 3 4 minutes but i don't think i can start this lecture today i'll just start it in the next in my next lecture we'll take it up from here in my next lecture Thank you. God bless.